कक्षा में आपका स्वागत है। आई एम योर हिंदी टीचर। मेरा नाम सुरभि है और इस चैप्टर में हम आज़ादी कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं बालचंद्रन चिल्लुकर। ये एक मलयालम कवि हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं, मलयालम साहित्यकार हैं। और उनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो अमावसी, पतिनेतु और कवित कव्व, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखते हैं उन्होंने आज़ादी कविता के बारे में क्या बोला है। इस कविता में एक शागिर्द है जो अपने उस्ताद से पूछता है आज़ादी क्या है। वो कुछ संदर्भ में बात भी रखता है और पूछता है कि क्या यही आज़ादी है या आज़ादी के मायने कुछ और है। तो देखते हैं इस कविता में। ये चैप्टर 7 का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद से प्रश्न करता है कि आज़ादी क्या है, आज़ादी के मायने क्या है। तो अब देखते हैं कि जो दर्जी है वो क्या उत्तर देता है। ठीक है, तो आपके मन में जिज्ञासा अवश्य होगी कि शागिर्द के प्रश्न का दर्जी ने क्या उत्तर दिया होगा। शागिर्द के सवालों को दर्जी ने ध्यानपूर्वक सुना और दर्जी के पास गहरे अनुभव थे अपनी लाइफ के रिलेटेड। उसके पास बहुत सारे अनुभव होंगे क्योंकि वो उम्र लायक है। तो उसने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी है। तो उसने अपने अनुभवों से क्या बताया आज़ादी को, कि मूलभूत आवश्यक जो चीज़ें हैं वो अगर हमारे पास है तो वो आज़ादी है। क्या होती हैं मूलभूत चीज़ें? तो रोटी, कपड़ा और मकान। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से पीड़ित के लिए राहत पहुंचाने वाला ऊनी वस्त्र तथा थके मांदे के लिए बिस्तर ही आज़ादी है। इसके बाद दर्जी ने शागिर्द से कहा कि आज़ादी एक अभिव्यक्ति है जिसका माध्यम शब्द है। क्या आप जानते हैं कि शब्द या अभिव्यक्ति का आज़ादी से क्या संबंध है? जो हमें उचित या अनुचित लगता है और हम उसे सच्चाई से शब्दों में अभिव्यक्त न कर पाए तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए हमारे समाज और देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात प्रायः की जाती है। हमारा यह कर्तव्य है कि जो हमें ठीक लगे और जिसे कहना समाज के हित में आवश्यक हो तो हमारा यह कर्तव्य है कि जो हमें ठीक लगे और जिसे कहना समाज हित में आवश्यक हो तो हमें वो अवश्य कहना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारे कुछ कहने से किसका भला हो रहा है या फिर समाज के हित में कुछ बोल रहे हैं तो हमें वो अवश्य बोलना चाहिए। इसलिए कभी कभी साहस भी करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसी वर्षों से चली आ रही परंपरा है और आपको उसको लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं तो पूछने में भी हिचकिचाहट होगी, राइट? लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? बहुत सारा साहस चाहिए। शिकारी के लिए तीर की कमान आज़ादी का एक साधन है। शिकारी का तो अस्तित्व ही नहीं है यदि उसके पास तीर नहीं है, है ना? अगर उसके पास तीर कमान नहीं है तो वो शिकारी नहीं कहलाएगा। मतलब अगर तीर नहीं है तो शिकारी का भी अस्तित्व नहीं है। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जीवन के लिए अनिवार्य साधन का होना जरूरी है। अकेलेपन से, कष्ट से मुक्त होना या भय से मुक्त होना भी आज़ादी है। अगली पंक्तियों में कवि ने ज्ञान, कर्म और बलिदान के कार्य कारण संबंध को स्पष्ट किया है। ज्ञान, कर्म और बलिदान के समन्वय से जीवन को स्वस्थ व सुंदर बनाया जा सकता है। किससे? ज्ञान, कर्म और बलिदान। अज्ञानी के लिए ज्ञान की प्राप्ति आज़ादी है। कहा भी जाता है कि ज्ञान हमें मुक्त करता है उन सारे बंधनों से, उन सारी बेड़ियों से जो वर्षों से हमें बांधे रखती है एक अंधविश्वास में। ओके, यहाँ मुक्त करने का आशय है कि सोचने विचारने की क्षमता को विस्तार देना, ऐसा विस्तार जो व्यक्ति को संकीर्ण या ऊंची बातों से मुक्त करके विशाल हृदय वाला बनाता है। ऊंची बातें यानी कि जो पुरानी ऐसी परंपराएं हैं या ऐसी कोई सोच है जो हमारे हित में नहीं है, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम उसे जान पाएंगे कि क्या सच्चाई है,
ठीक है। तो इन ओछी बातों से मुक्त करके विशाल हृदय वाला एक व्यक्तित्व बनाता है। लेकिन ज्ञान कभी निष्क्रिय नहीं बनता। ज्ञान को कर्म में बदलना भी जरूरी है। यदि हम ज्ञान को कर्म में नहीं बदलेंगे तो ज्ञान निरर्थक एवं आंतरिक ही रहेगा, उसका लाभ दूसरों को नहीं मिल पाएगा। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को ही कर्मठ कहा जाता है। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को क्या बोलते हैं? कर्मठ। ओके, आप जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जो महान लोग लड़े थे उन्हें पहले यह ज्ञान हुआ था कि हम गुलाम हैं। हम आज़ाद हुए लेकिन इसका ज्ञान पहले जो लोगों को हुआ कि हम गुलाम हैं, तब जाके हम आज़ाद हुए। समझे, हमें आज़ाद होना चाहिए। इसके बाद वे इस ज्ञान के आधार पर सक्रिय हुए और देश आज़ाद हुआ। अगर हमें पता ही ना हो कि आज़ादी गुलामी क्या है, गुलामी किसे कहते हैं, अगर ये पता ही ना होता तो हमें आज़ादी का मतलब भी ना पता होता, है ना। तो इसके लिए उनमें से बहुतों ने कई तरह से त्याग बलिदान किया। किसी ने घर बार छोड़ा, कोई जीवन भर जेल में यातना सहता रहा, कोई फांसी पर झूल गया। कर्मठ को बलिदान त्याग ही आज़ादी प्रतीत होता है। ज्ञान, कर्म और त्याग को कवि ने अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि बलिदान करने वाले को कभी मरते नहीं, वे सदैव जीवित रहते हैं। वे दूसरों को जीवन देते हैं और उनके द्वारा निरंतर याद किए जाते हैं। गांधी जी को हम अब भी याद करते हैं, उनके त्याग उनके बलिदान को हम याद करते हैं, राइट। तो उस्ताद द्वारा शागिर्द को दिए गए उत्तर को पढ़कर आज़ादी के विषय में आपके जो विचार है उनका विस्तार हुआ होगा। पहली बार जब हम आज़ादी शब्द पढ़ते हैं तो सिर्फ हमें वो अंग्रेज़ों से गुलामी वाली आज़ादी याद आती है। इस चैप्टर को पढ़ के हमारा ज्ञान का विस्तार होता है कि कई कई तरह की आज़ादी होती है, समझे। तो आपको पता चला होगा कि आज़ादी बेकार की उछल कूद, उन्मुक्ता या स्वच्छंदता में, या यह मान लेने में नहीं है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अगर आपको घर से बहुत सारी छूट दी जाती है, अगर आप टाइम पे घर ना आओ तो भी चलता है, तो वो आज़ादी नहीं है। आज़ादी इसमें भी नहीं है कि हम ख्याली पोलाव में पकते रहें, कि अर्थात बेकार की कल्पना करते रहें, वो भी आज़ादी नहीं है। इधर उधर निश्चिंत होकर घूमना या मान लेना, ये भी आज़ादी नहीं है। ये क्या है? भ्रम है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे ही गतिविधियों को आज़ादी मान लेते हैं। अभी जिसको देखो वो ऐसे ही आज़ादी मान लेता है कि हाँ, मेरे घर में कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, वो ही आज़ादी है मेरे लिए। इसलिए शागिर्द के मन में आज़ादी के विषय में जिज्ञासा हुई और उसने इसके समाधान के लिए अपने अनुभवी उस्ताद की शरण ली। शागिर्द को और हमें भी यह पता चला कि आज़ादी जीवन की अनिवार्यताओं से है। आज़ादी का अर्थ केवल अधिकारों को भोगना ही नहीं, बल्कि समाज तथा देश के प्रति कर्तव्य निभाना भी होता है। अब इसका तीसरा अंश देखते हैं। आपने जाना कि आज़ादी का व्यापक अर्थ क्या होता है। कविता के इस तीसरे अंश में दर्जी यानी कि जो उस्ताद है, उसने आज़ादी को कर्म से जोड़ा है। किससे? कर्म से। कपड़े सीने का उल्लेख करते हुए दर्जी ने कर्म की ओर संकेत दिया है। आपका जो काम है वही आपका कर्म है। आप जो कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? आपने कर्म किया, ठीक है। तो कपड़े सीने का उल्लेख करते हुए दर्जी ने कर्म की ओर संकेत किया। कर्मठ व्यक्ति ही सपने देख सकता है। कहने का आशय है कि जो परिश्रम करेगा उसी के सपने पूरे होंगे। सुई की चमकदार नोक पर आज़ादी टिकी हुई है, अर्थात कर्म करते रहने में ही आज़ादी है। कपड़े सिए जाएंगे, सुई चलती रहेगी, यानी कि कर्म जारी रहेगा, आपका काम चलता रहेगा, तो आज़ादी बनी रहेगी। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्म का सर्वाधिक महत्व है।
क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस अंश में उस्ताद ने आज़ादी का संबंध सबसे पहले सुई की नोक से क्यों जोड़ा था। शागिर्द के प्रश्नों में अंतिम प्रश्न क्या था, कि शागिर्द का अंतिम प्रश्न था कि इस कपड़े सीने वाली मशीन और सुई से मेरी मुक्ति आज़ादी है, अर्थात क्या कर्म से मुक्ति मेरी आज़ादी है, ऐसा प्रश्न करा था, याद हो तो कभी ना कभी निरंतर काम करते हुए हम थक भी जाते हैं और सोचते हैं कि बस अब और काम नहीं, लेकिन यह आराम की जो स्थिति है वो कुछ देर की स्थिति है, वापस हमें काम पर तो लौटना ही है, तो हम फिर काम ले लग जाते हैं। कर्मों को हमेशा के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, यही बात तो उस्ताद भी कर रहे हैं। कर्म करना आज़ादी है, अगर आप काम कर रहे हो तो आप आज़ाद हो, वरना अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो आज़ादी नहीं है। उस्ताद का यह मत है कि जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। यह बात अनेक प्रकार उससे अनेक उदाहरण देकर वो कहता है कि कड़ी मेहनत करके धूप बारिश जाड़ा सहने के बाद किसान के खेत में फसल लहलाती है, उस फसल को काटने का अधिकार केवल किसान को ही मिलना चाहिए, रोटी उसे ही मिलती रहनी चाहिए जो उसके लिए मेहनत करता है, ऐसा न हो कि मेहनत कोई करे और खाए कोई, बोए कोई और काटे कोई, श्रम का उचित फल उचित लोग को ही मिलना चाहिए, यह उचित फल आज़ादी का पर्याय है। इसके साथ साथ आज़ादी का दूसरा नाम क्या है, कर्म। कर्म ही आज़ादी है और पारिश्रमिक का उचित फल प्राप्त होना आज़ादी है। इस प्रकार आज़ादी का वास्तविक अर्थ उसके विविध संदर्भ तथा श्रम तथा कर्तव्य के साथ उसके संबंध को स्पष्ट करते हुए दर्जी फिर से कपड़ा सीने लग जाता है। यहाँ पर उस्ताद का फिर से कपड़ा सीने में लग जाना, ये भी तो निरंतर कर्म करते रहने का संदेश है। उस्ताद का उत्तर सुनकर और उसे कर्मरत देखकर शागिर्द की परेशानियाँ दूर हो गई, उसे समझ में आ गया कि हाँ आज़ादी का मायना क्या है, वह भी सुई में धागा पिरोने लगा और उसकी समस्या का समाधान हो गया, वो भी पुनः कर्मरत होने का निर्णय ले लिया। आज़ादी को जीवित रखने के लिए श्रम परम आवश्यक है। भारत में कभी यह भी होता है कि किसान परिश्रम करता है, खेत जोतता है, उसे सींचता है, रखवाली करता है, लेकिन फसल पकने पर कोई और ताकतवर लोग उसे काट ले जाते हैं। भारत जब गुलाम था तब भारतीयों के श्रम से उत्पन्न वस्तुओं को शासक अंग्रेज ले जाते थे। जब हम गुलाम थे तब क्या होता था, हम मेहनत करते थे, सारी चीज़ें बनाते थे, स्वदेशी चीज़ें बनाते थे, लेकिन उसका यूज़ कौन करता था, अंग्रेज लोग करते थे। तो स्वाधीनता के बाद भी कहीं ना कहीं यह स्थिति बनी रही है कि कुछ लोगों को श्रम का उचित फल नहीं मिल रहा है। अभी भी ऐसी स्थिति है जहाँ लोगों को उचित उनका फल नहीं मिल रहा है उनके कार्य का, इसलिए उन्हें वास्तविक आज़ादी नहीं मिल रही है। जन कवि अदम गोंडवी ने आज़ादी के बारे में कहा है कि 100 में 80% जो आज भी नासाज है, दिल पर हाथ रख के कहिए क्या देश आज़ाद है। कर्तव्य एवं अधिकार ये सिक्के के दो पहलू हैं, क्या, एक कर्तव्य और दूसरा अधिकार। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का स्थान महत्वपूर्ण है और आज़ादी के केवल राजनीतिक ही नहीं होती बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक पहलू पर भी होती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हम पूरा करते हैं। आई होप आपको आज़ादी के बारे में ज़्यादा कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।